जैसे मुझे मालूम है अपने बड़े बुजुर्गों से कि ऋषि मुनि भी रहते थे बड़े बड़े कमरा में पहाड़ में, उस सब में भी मिथिला कला उसमें भी मिलता था। माने एक मिठास का जो वन होता है वो उस उपवन वो मधुबनी। इसका जो खोज जो हो गया, जो सीता जी का जो शादी हुआ था उसमें जनक जी बोले थे जो कोहबर घर को सजाने के लिए, तो मिथिला के पहले जो प्रचलित है तो ये चावल का जो आटा जो होता है मैथिली भाषा में उसको पिठार बोलते हैं, वो पहले पिठार से बनता था, पूरा दीवार को सजाया जाता था। सीता जी के शादी से प्रचलित हुआ। मधुबनी एक मतलब पहले तो गांव था, इसके बाद वो जिला हुआ और वहाँ पर जो है जो ये पेंटिंग जो है वहीं से फेमस है। कोई भी ओकेजन जो होता है पर्व त्यौहार उसमें इसका महत्व है। ये का जो कला है वो हमारा सांस्कृतिक कला है, इसके बिना हमारी शादी संपन्न नहीं होगी। हर फंक्शन में, ब्याह में, बच्चे का मुंडन में इत्यादि में उसको घर को पोत करके लीप करके उस पर बनाया जाता था। इसमें कोई चीज़ भी बनता है मिथिला के जो है, जो मिथिला का जो कल्चर है वही हम लोग डालते हैं। जैसे शादी हो गया मिथिला का, कोहबर हो गया, उपनयन हो गया, डोली का हार कैसे दुल्हन जाती है, इसके बाद जनेऊ होते ब्राह्मणों में, ब्रह्मा विष्णु महेश ये काम किया जाता, मंडप बनता है, मछली का नया नया डिजाइन बनाते रहते हैं। अब वो मछली इतना मतलब फेमस प्रचलित हो गया है जो हरेक स्टॉल पर हरेक जगह दिखता है। तो इसी तरह पारंपरिक चित्र बनाते ताकि लोग उस संस्कृति कला को पारंपरिक को जान सके। प्रकृति में पेड़ पौधे हुए, चिड़िया हुआ, झाड़ झकाड़ होते हैं। हम लोग के मधुबनी पेंटिंग में यही खासियत है, कोई भी जगह खाली नहीं जाए। कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले उसका बॉर्डर पहला सबसे प्रमुख काम, उसके अंदर में डेकोरेट होता है, उसका आउटलाइन जो होता है और रंग जो होते हैं इसके चटक होते हैं, इसलिए लाल रंग ज़्यादा इसकी खासियत रहती है। इसका चेहरा जो है बस एक तरफ का होता है और ये मौलिक भाव लोगों को बहुत भाता है। ये कला माँ ने नानी हमारी जगदम्बा देवी से सीखी, तो हम लोगों ने इसी को अडॉप्ट किया और रोजगार का हमारे लिए यही साधन बना। मैंने एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को कैसे हस्तगत होता है तो वो देखने का एक नमूना है। तो इसलिए हम इसको बहुत पवित्र दृष्टि से, आदर से इसको देखते हैं।